वालों, हमारी शान हमारा मान। जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया तो पूरा विज्ञान तकनीकी संसाधनों ने इससे लड़ने के लिए अपने घुटने टेक दिए। ऐसी स्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने धैर्य, साहस और सूझबूझ से इस महामारी को रोकने के लिए एक योजना तैयार की और संपूर्ण देश को लॉकडाउन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की घोषणा की। जिला कलेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता के निर्देशन में प्रशासन के तमाम विभागों को अपने अपने स्तर पर कार्यभार सौंपा गया। सभी विभाग नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोरोना वायरस को रोकने हेतु अपने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम देने लगे। जिला कलेक्टर स्वयं तमाम सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रखते हुए गांव-गांव जाकर नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए जायजा लेते आ रहे हैं। वहीं सभी उपखंड अधिकारी जालौर के श्री चंपालाल जिंगर, भीमार के श्री अवधेश मीना, आहोर के श्री प्रशांत शर्मा, रानीवाड़ा के श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल, सायला से श्रीमती गोमती शर्मा, वहीं बांकुड़ा से श्रीमती रुद्रा शेखावत ने अपने अपने क्षेत्रों की पूर्ण जिम्मेदारी के साथ समस्त व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयासरत कार्य करते हुए दिन रात कार्य कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं, सुविधा एवं सुरक्षाएं सुव्यवस्थित रहे इसके लिए जालौर पुलिस अधीक्षक श्री हिम्मत अभिलाष कार के दिशा निर्देश के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार की अगुवाई में जिले का पूरा पुलिस प्रशासन तत्परता के साथ अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहकर कार्य कर रहा है। पुलिस बटालियन जनता को लॉकडाउन का पालन करवाते हुए बेवजह बाहर न निकलने के क्रम में कार्य कर रहा है। साथ ही लोगों के दिलों में भय और घबराहट का माहौल न बने इसके लिए पुलिस दल ने जगह जगह फ्लैग मार्च निकाल कर लोगों को सुरक्षित रहने हेतु जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस विभाग की सतर्कता का यही परिणाम है कि जिले में कहीं से भी किसी तरह की छोटी या बड़ी घटना नहीं हुई जिससे कोरोना के बचाव हेतु बनाए सुरक्षा चक्र को कोई नुकसान हो। इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे चिकित्सा विभाग की टीम ने जिस समर्पण भाव से कोरोना वायरस से लड़ने में जो तत्परता दिखाई है वो सराहनीय है। विभाग के डॉक्टर गजेंद्र शर्मा, डॉक्टर हेमंत जैन के साथ तमाम डॉक्टर और नर्सेज ने जिले में मिलने वाले संदिग्धों की तुरंत जांच कर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं बाहर से आने वाले प्रवासियों की जांच कर उन्हें तुरंत क्वारंटाइज करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ प्रशासन के सहयोग से हर क्षेत्र को सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। महामारी की ऐसी विकट परिस्थितियों में गंदगी ना हो, गंदगी से कोई नई महामारी ना फैले इसकी को ध्यान में रखते हुए हमारे सफाई कर्मचारी निरंतर और नियमित अपने अपने क्षेत्र की सफाई में जुटे हुए हैं और इसी का ही परिणाम है कि हमारा जालौर हमेशा की तरह आज भी वैसा ही साफ सुथरा है। संपूर्ण लॉकडाउन, उद्योग बंद, बाजार बंद, कामकाज बंद, इसके बावजूद हमारे जालौर का एक भी गरीब, एक भी मजदूर भूखा नहीं सोता। कभी भी कहीं से भी किसी गरीब मजदूर का यह रुदन सुनाई नहीं दिया कि वो आज भूखा है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि जैसे ही देश में लॉकडाउन हुआ प्रशासन के साथ जालौर की समाज सेवी संस्थाएं, समाज सेवी और हमारा तुरंत प्रभाव से सक्रिय होकर जनता की सेवा में निकलकर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इन तमाम सेवा भावियों ने गरीब मजदूरों को तो क्या, मुख्य पशु पक्षी भी भूखे ना रहे उसके लिए तन मन और धन से सेवा की। इनकी इसी सेवा के कारण ना तो गरीब मजदूर और ना ही मुख्य प्राणी भूखा रहा। इन तमाम लोगों के साथ एक वर्ग ऐसा भी है जिसने पूरी तरह तन मन के साथ कोरोना की जंग में अपनी निस्वार्थ सेवा देता आ रहा है और वह है हमारे मीडिया कर्मी जो दिन रात भाग दौड़ करते हुए जिले की गतिविधियां, जानकारियां और घटनाओं के आपसे रूबरू करवाते आ रहे हैं जिससे तत्कालीन परिस्थितियों का आम जन को बोध हो एवं लोग सुरक्षित रह सके। हमारे ये महान वॉरियर्स, कर्मवीर योद्धा जिन्होंने अपनी परवाह किए बगैर कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण जालौर जिले के लिए ऐसा सुरक्षा कवच बनाया कि अभी तक कोरोना वायरस हमारे जालौर में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन हमें असावधान नहीं होना है, हमें अभी भी सतर्क रहना है। हमें प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों की पालना करते हुए तमाम कर्मवीर योद्धाओं का साथ देते हुए कोरोना वायरस से अभी भी लड़ना है। जनसमय न्यूज चैनल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, बामा साहब, समाज सेवियों को हृदय से नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता है जिन्होंने अथक परिश्रम करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए। जनसमय आपको, आपके प्रयासों, भावनाओं को सशक्त नमन करता है। जय भारत, जय जालौर, जय कल्याण।